सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे होंगे कि एसएससी की वेबसाइट खुली, ssc.nic.in, ठीक है। और अभी 10 मिनट पहले मैंने एक वीडियो बनाया कि WR रीजन का CHSL का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। और अभी एक और नोटिस आपको मैं दिखा दूं कि अब सबका एग्जाम पोस्टपोन हो गया, सभी रीजन का एग्जाम अब पोस्टपोन हो गया है। देखो सामने ये इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग पोस्टपोन ऑफ सीएचएसएल एग्जाम, ठीक है, 2020। अब ये नोटिस ये सामने है, ड्यू टू द सर्ज इन कोविड-19 केसेस अक्रॉस द कंट्री द कमीशन हैज डिसाइडेड टू डिफर द सीएचएसएल एग्जाम 2020 विद द इफेक्ट ऑफ फ्रॉम 24 2021। मतलब सभी बच्चों का फ्रेश डेट्स फॉर द बैलेंस कैंडिडेट्स, बैलेंस कैंडिडेट से याद रखना कि जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ सिर्फ उनका एग्जाम होगा, जिनका होगा उनका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो जिनका एग्जाम होगा नहीं होना है, सॉरी जिनका नहीं हुआ है सिर्फ अब उनका एग्जाम होगा, ठीक है। अब ये डेट ये वो बताएंगे कि एग्जाम कब होना है, मई में होना, जून में होना, कब होना है, ये वो बताएंगे, ठीक है। तो चलो ये चीज आ गया। अब इसका मतलब ये है कि सीआर रीजन एनआर रीजन सबका पोस्टपोन हो गया है, सबका, ठीक है। तो एक गुड न्यूज है, बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि आप सबकी मेहनत एक सफल रही जो हम लोग इतना प्रयास किया। हालांकि ये डिसीजन चेयरमैन साहब थोड़ा सा पहले लेना चाहिए था, पता नहीं कौन सा लोग माल फूक के बैठे हैं, इन लोगों को समझ में नहीं था। रात को 10 बजे 9:30 बजे आप ये निकाल रहे हो, ठीक है, कि आपको सुबह से समय नहीं मिला, और ये चीज़ आपको पहले डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन क्या ही बोला जाए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, देर है दुरुस्त है। अब जिन बच्चों का एग्जाम बाकी है मन लगा के पढ़ो, आपको समय तो मिल गया है और इसको अच्छे से यूज करो। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।